वेलकम बैक एट मास्टरकैम सीएनसी मिलिंग ट्यूटोरियल्स। मास्टरकैम का ये हमारा 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम आपको इस पार्ट की मॉडलिंग करना बताने वाले हैं, किस तरीके से हम इस पार्ट के लिए मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। इस पार्ट का जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा मॉडल पार्ट है वो दिखाई देगा। तो पहले हम मॉडलिंग करेंगे एंड देन आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग की करके देखने वाले हैं। सो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप इस पार्ट की मॉडलिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये पार्ट टोटली मॉडल इसका पार्ट का मॉडल बना के दिखाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इस ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। कभी भी ड्राइंग को देख के थोड़ा डरना नहीं है, चाहे तो आप इस ड्राइंग को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं या फिर इस ड्राइंग का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं इसमें बाहर का डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 125 mm। ये जो अंदर का जो एरिया है इसका डायमीटर दे रखा है 119 mm। साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पे ये प्रोफाइल एरिया भी दे रखा है, तो प्रोफाइल एरिया को हम यहाँ पर हमें स्केलिंग साइज़ में दिखा रखा है। इस प्रोफाइल को यहाँ पर स्केल करके दिखा रखा है, इसमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है हमें, यहाँ का एंगल दिया हुआ है, इसका फिलेट दिया हुआ है और साथ में जो ये इस ट्रिप का जो प्रोफाइल है इसका हमें यहाँ पर सेक्शन एरिया करके दिखाया हुआ है। इसमें यहाँ पर हमें रेडियस R3 दिया हुआ है, यहाँ का रेडियस R6 दिया हुआ है, यहाँ का जो एंगल है वो भी दिया हुआ है। साथ ही इसके पार्ट के अंदर यहाँ पे होल है वो भी हम क्रिएट करने वाले हैं, साथ में सेंटर के अंदर ये होल है इसे भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम मॉडलिंग करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने पास सामने ड्राइंग रख ले ताकि पार्ट को बनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। सबसे पहले हम जाएंगे वायरफ्रेम टैब में, सर्किल कमांड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्किल क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैक्सिमम डायमीटर का जो सर्किल है वो है हमारा 125 mm। देन ओके, देन नेक्स्ट वन एक और सर्किल है जिसका डायमीटर है 119 mm एंड ओके। देन नेक्स्ट वन इसके बाद एक और सर्किल है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 111 and 3, जिसका अर्थ है 103 mm, जो कि अंदर की तरफ हमें डैश डैश करके दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन सर्किल है इसका डायमीटर दे रखा है 50 mm, यदि आप ड्राइंग को ध्यान से देखें तो लेफ्ट की तरफ दिया हुआ है। ये दोनों ही सर्किल्स हमें डैश डैश करके दे रखे हैं। अब जो हमें PCD के लिए सर्किल दे रखा है उसे क्रिएट कर लेते हैं जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 25 mm और यहाँ पर इसके सर्किल के अंदर इस PCD में यहाँ पर एक सर्किल क्रिएट कर रखा है जिसका डायमीटर हमें बता रखा है 6 mm। तो हमने ढेर सारे सर्किल्स को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब जो जो सर्किल हमें डैश डैश करके दिए हैं उसको डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए सर्किल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और साथ ही हम यहाँ पर स्टाइल में डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनालाइज एंटिटी प्रॉपर्टीज, स्टाइल को कन्वर्ट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट वन इसके बाद जो काम करना है वो ये है कि जो हमारा सर्किल है, जो टोटल सर्किल है वो 6 nodes सर्किल है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए हम जाने वाले हैं ट्रांसफॉर्म में और रोटेट, सर्किल सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्शन। अब हमें नंबर ऑफ सर्किल्स हैं जो हमारे 6 nodes और इसका एंगल जो है 360/6 एंड देन एंटर और साथ ही वापस से क्लियर कलर। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सर्किल्स है, जो 6 circles है वो क्रिएट कर लिए हैं। 6 circles को क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले हम ये प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें ये प्रोफाइल दे रखी है ऑलरेडी। इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है जो कि है हमारा 30 degrees। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर इसका एंगल दे देते हैं 30.0 एंड ओके। अब यदि हम ड्राइंग को ध्यान से देखें नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमें एक रेडियस सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस वैल्यू जो है हमारे 3 mm। देन ओके, और साथ ही यदि हम ध्यान से एक और चीज़ को देखें तो यहाँ पर हमें
आगे की तरफ एक सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस दे रखा है 6 mm। तो यहाँ पर हम इसे डायम दे देते हैं, इसकी वैल्यू 6.0 एंड ओके। फिर से हम इस सर्किल को यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं जिसकी रेडियस वैल्यू 6 mm दे देते हैं एंड ओके। देन जो ये सर्किल है इसे हम डिलीट कर देंगे। इस सर्किल को डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल को क्रिएट करने के लिए फिर से हम जाएंगे लाइन कमांड में, यहाँ से इसके टेंजेंट में लेते हुए सीधी की सीधी एक लाइन खींच देंगे। इसका एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30.0 प्लस 7 डिग्री ओके। ध्यान रहे, एक बार हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं। फिर से हमें लाइन कमांड लेनी है, इसके टेंजेंट में बनाना है और यहाँ पे सीधी लाइन खींच देते हैं जिसकी ओवरऑल एंगल है 30.0 माइनस 7। इसकी लेंथ भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, इसकी लाइन भी अब हमें यदि बड़ी करनी है या इसकी कहें कि लेंथ थोड़ा सा हमें बढ़ाना है तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिलेट ले लेते हैं, ये वाला फिलेट इसके साथ यहाँ पर जिसकी रेडियस वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 mm। तो यहाँ से यहाँ के लिए, इस सर्किल से यहाँ के लिए एंड एंटर। अब हमें जो ये वाला पोर्शन है इसे ट्रिम कर लेना, ट्रिम डिवाइड एंड डिलीट एंड सॉरी ट्रिम डिवाइड एंड डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पोर्शन जो है लाइन ये इसके प्रॉपर तरीके से टच नहीं हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिलीट कर देंगे। एक बार इस सर्किल को भी हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर लाइन कमांड, इसके टेंजेंट में लाइन लेते हुए यहाँ से मिला देते हैं ओके। देन फिर से ट्रिम कमांड और इस सर्किल को डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो प्रोफाइल है इसे क्रिएट कर लिया है। इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद इस प्रोफाइल को हमें पूरे के पूरे एरिया में रोटेट कर देना है। इसके लिए फिर से जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म कमांड एंड रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे, पूरे के पूरे प्रोफाइल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्शन। अब हमें नंबर ऑफ कॉपीज़ कितने क्रिएट करने हैं, 6, और इसका रोटेशन एंगल जो है 360/6 एज पर ड्राइंग। देन ओके, राइट क्लिक, और क्लियर कलर करके इसे हम क्लियर कलर कर देते हैं। तो हम जैसे आप ड्राइंग को देख पा रहे हैं यदि अभी, तो नीचे की तरफ का जो सेक्शन व्यू था या स्केलिंग व्यू था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम डिटेल ड्राइंग सी को क्रिएट करने वाले हैं। डिटेल ड्राइंग सी को क्रिएट करने के लिए फिर से हम जाएंगे वायर फ्रेम टैब और यहाँ पर फिर से जो सेम साइज़ का सर्किल है उसे क्रिएट कर लेंगे और यहाँ की जो वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू थी R 3.0, उसे क्लिक कर लेंगे। और इस सर्किल से हमें एक सर्किल दिया हुआ है यहाँ पर, यदि आप ड्राइंग को देख रहे हैं अभी, तो जिसकी रेडियस है 25 mm। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे क्लियर कर लिया। अब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हम जो सर्किल था डैश डायलॉग वाला इसे डिलीट कर देते हैं। फिर हम जाएंगे लाइन कमांड में और यहाँ पर इसका एंगल दिया हुआ है जिसकी एंगल वैल्यू है जो हमें, फिर से लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे, इस सर्किल पर क्लिक करेंगे और इसका एंगल जो दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 20 डिग्री ओके। फिर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम 360-20 ओके। अब हमने अगला काम जो करना है यहाँ पर फ्लिट को क्रिएट कर लेना। फ्लिट करने के लिए यहाँ पे फ्लिट कमांड लिखेंगे, जो रेडियस वैल्यू वो देंगे ये फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इस एरिया में फ्लिट क्रिएट कर लिया है। सो गाइज, इस तरीके से अब हमें यहाँ का जो पोर्शन है इसे ट्रिम कर लेना है ओके। देन इसके बाद हमें फिर से इसे रोटेट करना है।
रोटेट करने के लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म कमांड, रोटेट पूरे पोर्शन को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ सिलेक्शन, नंबर ऑफ कॉपीज यदि हमें 6 बनानी है 360 डिवाइडेड बाय 6, ओके क्लियर कलर। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा हमें दिख रहा था ड्राइंग, या कहूँ कि जैसा हमें ड्राइंग दिख रहा है, लगभग हमने सारे के सारे पोर्शन वैसे ही ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगला काम करना है वो हमें ये करना है कि अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए हम जाएंगे सॉलिड में, सॉलिड में जाने के बाद एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक करेंगे। बट एक्सट्रूड करने से पहले अब हमें इसे ट्रांसलेट कर लेना, जिसका अर्थ है भी हमें कुछ पोर्शंस, इसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसलेट कमांड पर क्लिक करेंगे, ऊपर के दोनों सर्किल्स पर क्लिक करेंगे और इसे हम जेड में जितना हमें नीचे का मैक्सिमम एक्सट्रूड दिया हुआ है, क्योंकि हमें इसमें नीचे की तरफ से भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा, तो हम इसे -38 डिग्री तक ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसके हम चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। ओके राइट क्लिक करके क्लियर कलर। अब हमें ये सर्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस सर्किल को भी डिलीट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट वन काम करना है वो हमें ये है कि सॉलिड में जाएंगे एक्सट्रूड, सबसे पहले बाहर का पोर्शन है इसे एक्सट्रूड करेंगे। इसी ओवरऑल डिस्टेंस जो है हमें वो दे रखा है 38.0। ओके तो ये पार्ट हमने एक्सट्रूड कर लिया है। देन नेक्स्ट वन जो पार्ट हमें एक्सट्रूड करना है वो पार्ट है हमारा ये पार्ट। बट अब इस पार्ट के लिए मज़े की बात ये है कि ऊपर की तरफ से भी ये एक्सट्रूड होना 1 mm और नीचे की तरफ से भी एक्सट्रूड होना है, तो हमें इसे फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ट्रांसलेट में आ जाते हैं, एंड सिलेक्शन कॉपी, ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा हमें फिर से इसे 38.0, एंड सिलेक्शन एंड क्लियर कलर। अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ से इसे एक्सट्रूड करते हैं, इसके लिए सॉलिड पार्ट, सॉलिड में आके एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक करेंगे एंड ओके। अब हमें इसे क्रिएट नहीं करना बल्कि बॉडी को कट करना है, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दे देंगे, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ 31 mm एंड ओके। फिर हमें ऊपर की तरफ से जो चेन है वो भी कट कर लेते हैं, चेन डायरेक्शन चेंज और इसकी वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस वो है 1 mm एंड ओके। अब नेक्स्ट वन काम जो करना हमें ये जो पोर्शंस हैं उसे भी हम कट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ध्यान रहे सिलेक्शन जो है आप शिफ्ट के साथ करें ताकि आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा ईजी रहेगा। थ्रो ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पार्ट ये थ्रो हो जाएगा। सिमिलरली जो हमें आपको सर्किल्स दिए हुए हैं सर्किल को भी थ्रो ऑल करना है, तो सर्किल भी सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे के पूरे थ्रो ऑल कर दिए। अब नेक्स्ट वन इसके बाद जो काम करना है वो हमें ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसे हमें कट करना है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू है 3 mm डीप। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्किल्स को हमने क्लिक करके ओके कर दिया, इसके बाद हमें इसे सिलेक्शन कर लेना एक्सट्रूड 1, 2, 3 सिलेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लेट मी सी, एक्सट्रूड में जाएंगे, फर्स्ट चेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि आपको भी सिलेक्शन में इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसे वेट पर क्लिक करें, ये जो पोर्शन है मैं ये इसमें नाटक हो रहा है, तो इसके लिए हमें इसे ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के लिए फिर से हम जाएंगे वायर फ्रेम में एंड ट्रिम कमांड पर क्लिक करेंगे, और ये जो पोर्शन है सभी पार्ट्स के अंदर हमें फिर से ट्रिम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हमारा पहला पार्ट था जिसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने सभी पार्ट बनाए थे तो ऑब्वियसली बात है कि सभी में ये चीज़ रही है।
ध्यान रहे, जब भी एडिटिंग करें तो चेन सिलेक्शन में यदि प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये पोर्शन ट्रिम, तो सारे के सारे पार्ट्स को हमने ट्रिम कर लिया एंड ओके। अब नेक्स्ट वन जो हमें काम करना है, फिर से हमें एक्सट्रूड के अंदर चले, एक्सट्रूड में चले जाएंगे, सभी का चेन सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इजीली चेन सिलेक्शन हो रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। ये पोर्शन जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है इसके कारण ये चीज़ नाटक कर रहा है। इसके लिए हम जाएंगे लाइन कमांड और इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देंगे। फिर से हम आ जाता है सॉलिड पार्ट एक्सक्लूड। जब भी आप कोई भी पार्ट क्रिएट करेंगे तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको उनका सॉल्यूशन करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे यार यहाँ पर फिर से नाटक, भी क्या नाटक है यार। सबसे पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं इसी चेन को, वेट ए सेकेंड, एक्सट्रूड 1 2 3। अब इसे केयरफुली जूम करेंगे तब समझ में आने वाला कुछ ही क्या नाटक है। सेकेंड चेन, थर्ड चेन, इन तीनों को एक बार एक्सट्रूड करते हैं, फिर देन थर्ड वन उनको चेन को एक्सटेंड एक्सट्रूड करेंगे। अब कट पार्ट करना हमें, कट पार्ट में इसकी डिस्टेंस जो है वो हमें देना 3.0। तो तीनों पोर्शन को हमने कर लिया है। अब यदि हमें ओके कर लेते हैं, अब हमें नई चेन सिलेक्शन करनी है, हमने ये पार्ट किया ओके, फिर हमने नया पार्ट ओके कर लेते हैं, फिर हमने नया पार्ट सिलेक्शन किया ओके, फिर हमने ओके कर लिया, फिर हमने नया पार्ट सिलेक्शन किया ओके। तो इस तरीके से भी करके आप चाहें तो जब आपको प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से करके भी आप इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो गाइस आपके सामने ये मॉडल पार्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। काफ़ी बार आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जिनका आपको सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू।